मारुति सुजुकी जेन, आप में से ज्यादातर लोग इस गाड़ी के बारे में जानते ही होंगे, खासकर वो लोग जिन्होंने अपना बचपन 90s में गुजारा है, क्योंकि ये गाड़ी 90s में ही लॉन्च हुई थी और उस टाइम पे गाड़ी काफी फेमस भी थी मार्केट में। तो आज हम इसी गाड़ी के बारे में जानेंगे, गाड़ी कब लॉन्च हुई थी, इसके कौन कौन से फेसलिफ्ट आए थे, कौन कौन सी जनरेशन आई थी वगैरह वगैरह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कहानी स्टार्ट होती है 1993 से, जब मारुति ने जेन को इंडिया में पहली बार लॉन्च किया था। जेन एक चार दरवाजों की सब कॉम्पैक्ट हैचबैक थी, जिसको कि मारुति ने इंडिया में ही बनाया था और इंडिया में बेचा भी था। हालांकि बाद में इसको बाहर के कुछ कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी किया जाने लगा था ऑल्टो के नाम से, पर इसका मेन मार्केट इंडिया ही था। शायद आप में से ज्यादातर लोग जानते हो जेन का क्या मतलब होता है, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं, जेन की फुल फॉर्म होती है जीरो इंजन नॉइज, और उस टाइम के हिसाब से ये गाड़ी काफ़ी साइलेंट थी। इस गाड़ी का नाम जेन इसलिए भी रखा गया था क्योंकि जैपनीज में जेन का मतलब होता है कंप्लीट, और एक कार अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से एक कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड कर दिया करती थी। इंडिया में जेन की टोटल तीन जनरेशन आई थी। इसकी फर्स्ट जनरेशन 1993 में लॉन्च हुई थी, उस टाइम पे इसमें G10B इंजन मिल जाया करता था, जो तकरीबन 50 BHP की पावर जनरेट कर दिया करता था, और ये पावर काफ़ी थी जेन के वेट और साइज के हिसाब से। उसके बाद 1997 में जेन को पहला माइनर सा फेसलिफ्ट मिला था, जिसमें कि इसको बॉडी कलर्ड बम्पर मिले थे और कुछ छोटे मोटे चेंजेस। फिर दो साल बाद 1999 में मारुति ने जेन क्लासिक को मार्केट में उतारा। इस गाड़ी को रेट्रो लुकिंग फ्रंट और रेयर दिया गया था। जेन क्लासिक में सिर्फ इसका फ्रंट और रेयर ही चेंज किया गया था, बाकी पूरी गाड़ी अंदर से और साइड से ओरिजिनल जेन की तरह ही एकदम सेम लगा करती थी। पर ये गाड़ी जल्दी ही डिसकंटिन्यू कर दी गई ड्यू टू लो डिमांड। और फिर 2000 में मारुति ने जेन में एक नया इंजन दिया। ये इंजन पुराने इंजन से तकरीबन 10 HP की ज़्यादा पावर जनरेट कर दिया करता था, यानी कि ये इंजन टोटल 60 BHP की पावर जनरेट कर दिया करता था। डीजल जेन 2000 में ही मारुति ने जेन का एक डीजल वर्जन भी लॉन्च किया था, पर ये मार्केट में चल नहीं पाया और जल्दी ही मारुति को डीजल जेन को भी डिसकंटिन्यू करना पड़ा था ड्यू टू लो सेल्स। और फिर 2003 में जेन को अपना पहला मेजर फेसलिफ्ट मिला, जिसमें कि इसका फ्रंट बम्पर, फ्रंट हेडलैम्प, रियर बम्पर और रियर टेल लैम्प को पूरी तरह चेंज कर दिया गया था। पर और जेन का ये फेसलिफ्ट पुरानी जेन से काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी भी लगा करता था। आप में से ज़्यादातर लोग इसको टाइगर जेन के नाम से भी जानते होंगे। थ्री डोर स्पोर्ट वर्जन ऑफ जेन 2003 में ही मारुति सुजुकी ने जेन का एक थ्री डोर स्पोर्ट वर्जन भी मार्केट में उतारा। जेन स्पोर्ट्स आपको सिर्फ VXI मॉडल यानी टॉप मॉडल में ही मिला करती थी, बाकी नीचे के मॉडल में ये कार आपको अवेलेबल नहीं थी। ये गाड़ी सिर्फ दो कलर में आया करती थी, पहला था ब्लैक जिसका नाम था जेन कार्बन, और इस गाड़ी की मात्र 300 यूनिट बनाई गई, और दूसरा था सिल्वर जिसका नाम था जेन स्टील, और इस गाड़ी की भी बस मात्र 300 यूनिट ही बनाई गई। इसका मतलब कि टोटल इस गाड़ी की 600 यूनिट बनाई गई, जिसकी वजह से ये गाड़ी काफ़ी रेयर है। और उसके बाद 2006 में मारुति सुजुकी ने जेन की सेकेंड जनरेशन जेन एस्टीलो को मार्केट में लॉन्च किया और पुरानी जेन को डिसकंटिन्यू कर दिया। जेन एस्टीलो पुरानी जेन से कम्प्लीटली डिफरेंट कार थी, मतलब अगर आप उसको देखेंगे भी अंदर से, बाहर से, साइड से, कहीं से भी, तो आपको पुरानी जेन से बिल्कुल भी लिंक्ड नहीं लगेगी, ये एकदम नई कार की तरह लगा करेगी। अब बात करूं जेन एस्टीलो की पूरी कहानी की, तो जेन एस्टीलो को जापान में 2001 में ही लॉन्च कर दिया गया था, और 2006 में गाड़ी को डिसकंटिन्यू करके इसी गाड़ी की सेकेंड जनरेशन को वहाँ पर लॉन्च कर दिया गया था। यानी जब जापान में इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, तब इंडिया में 2006 में इस गाड़ी को लॉन्च करा गया था। जेन एस्टीलो पुरानी जेन से एक कम्प्लीटली डिफरेंट कार थी। पुरानी जेन एक ड्राइवर ओरिएंटेड गाड़ी थी, इसकी लो सीटिंग और गो कार्ट लाइक हैंडलिंग इसको स्मॉल स्पोर्टी हैचबैक बना दिया करती थी। वहीं पर एस्टीलो का टॉल बॉय डिजाइन इसको एक फैमिली कार का लुक ज्यादा दिया करता था।
एस्टीलो पूरी तरह से जेन से डिफरेंट थी। इसमें जेन से कोई भी पार्ट नहीं लिया गया था। एस्टीलो को एक नया इंजन और नई चैसी मिली थी जो कि वैगनार से ली गई थी और इसकी प्राइस भी वैगनार के प्राइस के लगभग बराबर ही थी। पर लोगों ने इस गाड़ी को बहुत कम पसंद किया एज कम्पेयर टू वैगनार और इसकी सेल्स बहुत कम हो पाती थी शुरू से ही जब ये लॉन्च हुई थी। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने 2009 में इस कार की सेकेंड जनरेशन को मार्केट में उतारा। इसमें कंपनी ने काफी सारे चेंजेस कर दिए थे और जो एक मेजर चेंज था वो ये था कि इसका नाम भी अब जेन एस्टीलो से सिर्फ एस्टीलो हो गया था। कंपनी ने जेन को नाम से हटा दिया था और ये कार भी मार्केट में उतना कुछ खास कर नहीं पाई और इसको भी 2014 में आके डिसकंटिन्यू कर दिया गया और इस कार की जगह ली मारुति सुजुकी सिलेरियो ने। तो ये था जेन का पूरा सफर। अगर देखा जाए तो पुरानी जेन को तो 2006 में ही बंद कर दिया गया था। जेन एस्टीलो को तो सिर्फ जेन के नाम से बेचा जा रहा था। ये एक कम्प्लीटली डिफरेंट कार थी, डिफरेंट सेगमेंट की कार थी, डिफरेंट टाइप के बायर्स के लिए बनाई गई थी। जेन एस्टीलो एक फैमिली कार थी, वहीं पर जेन एक स्पोर्ट कार थी। ओरिजिनल जेन एक लेजेंडरी कार थी जिसकी आज भी मार्केट में आपको काफ़ी ज़्यादा फैन फॉलोइंग मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो में देखने के लिए वीडियो भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि मैं और किस गाड़ी की हिस्ट्री बनाऊँ। थैंक यू।